हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और वाटर कलर के फोर्थ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निक्स जाने हैं वाटर कलर करने के लिए, हैंड फ्री को करने के लिए। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो वार्म अप क्लासेस हैं इनिशियली, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो मैं आज जो बताने वाला हूँ वो है आपको कलर को कैरी करने के लिए। तो कलर को कैरी करने के लिए, जैसे कि आप कलर को कैसे आप कैरी करेंगे और इन सब चीज़ों का, आप जैसे शेडिंग है, आपका जो शेडो है, तो ये 3D लुक लाने के लिए ये जो क्लास है इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कलर मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये ब्लू कलर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेस कलर को मैं निकालूँगा। फिर मैंने ये कलर को यहाँ पे दिया और जैसे जैसे ग्रेजुअली वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो कलर की इंटेंसिटी कम हो रही है। फिर मैं इसको वाटर से इसको उस कलर को नीचे कैरी करवाऊंगा। तो ये जो इसको कहते हैं कलर ग्रेडिंग, कलर को जो एक सेचुरेशन लेवल है, ये जो कलर जो है ये कैरी हो रही है, नीचे आते आते वो ख़त्म हो रही है। तो ये जब चीज़ें हम जब वाटर कलर करेंगे तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान देंगे। जैसे कि ये हमारा एक कलर में था, तो ये सिंगल कलर है और वैसे हम इसको ग्रीन में करते हैं। जैसे फिर इसको आपने देखा ये, तो यहाँ पे ये जो कलर है वो कैरी हो रही है। तो यहाँ पे ये जो कलर है वो कैरी हो रही है, तो जैसे आपने देखा यहाँ पे। तो ये तो हो गया सिंगल, और इसको हम हर तरफ से करेंगे, क्योंकि हम जब भी वाटर कलर करेंगे तो पेपर को ऐसे मूव नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ये पहला ऐसे किया, तो फिर अगर नीचे से करना हो तो हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इस जो प्रैक्टिस को है उसको हम फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी लेके जाएंगे। ये जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे भी ये कलर जो है कैरी हो रहा है। फिर इसमें तो ये हमारा एक शेडिंग मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको इधर से भी प्रैक्टिस करना होगा। तो ये सब जो है बहुत ही इनिशियल चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में देना चाहिए। तो ये जो अभी मैंने स्ट्रेट में बताया, अब इसको ही आपको कर्व में करना है। तो कर्व में कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये यहाँ पे किया ऐसे, फिर इसको वाटर लेंगे, जैसे मैंने ये आप देख रहे हो कि हाफ सर्किल में ऐसे बनाए, इसको हर तरफ से इसको बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि कलर ग्रेड आ रही है, तो इसका ये प्रैक्टिस हम नीचे से ऊपर की तरफ भी करेंगे। फिर तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, और इसका प्रैक्टिस हम मल्टीपल टाइम करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जो भी आप प्रैक्टिस करें मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिए अपना आर्ट वर्क, जिससे कि मैं आपको कुछ रिव्यू दे सकूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।